16 अक्टूबर 2023 पॉपुलर मैकेनिक्स में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के मुताबिक वैज्ञानिकों को यूनिवर्स में क्रैक्स यानी कि दरारें मिली है। और केवल यही नहीं बल्कि लाइफ साइंस space.com जैसे कई वेबसाइट्स पर इस तरह के सेम आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं, जिसका कारण है साल 1979 में डिस्कवर्ड ट्विन क्वेजार की ये पिक्चर, जिन्हें हम QSO 0957+561A, QSO 0957+561B के नाम से जानते हैं। इनकी साइज एकदम आइडेंटिकल है और ये दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब मौजूद है। अब इन दोनों क्वेजार्स की ब्राइटनेस और स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल 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 सिमिलर है। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये दोनों क्वेजार्स एक ही समय पर सेम टाइप के एमिशंस कर रहे थे, और ऐसा कुछ सेकेंड्स या फिर मिनट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 दिनों की ऑब्जर्वेशंस के दौरान कंटिन्यूअसली देखने को मिला था। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक क्वेजार की लाइट स्पेक्ट्रम दूसरे क्वेजार से कभी मिल ही नहीं सकती, वो भी इतने लंबे समय तक, क्योंकि लाइट स्पेक्ट्रम उसके फिंगरप्रिंट की तरह होती है और फिंगरप्रिंट्स की तो आप जानते होंगे कि ये किसी से भी मैच नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल था? वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो नहीं बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट महज इसकी मिरर इमेज है, तो क्या आप बिलीव करोगे? 22 सितंबर 2023 को यूरोपियन फिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में ट्विन क्वेजार के पीछे का कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग के कारण हुई ग्रेविटेशनल लेंसिंग को बताया गया है। पर आखिर ये कॉस्मिक स्ट्रिंग है क्या, और कैसे इसकी खोज यूनिवर्स को देखने के हमारे नजरिए को बदल देने वाली है? वेल दोस्तों, कॉस्मिक स्ट्रिंग मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। इसे आप यूनिवर्स में क्रैक के रूप में इमेजिन कर सकते हो। जी हाँ, हमारे यूनिवर्स में क्रैक्स भी मौजूद है, और ये बात सबसे पहले साल 1970s में ब्रिटिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट टॉम कीबल ने कही थी। अब दोस्तों, जब हम पानी को बर्फ में बदलते हैं ना, तो अक्सर हमें बर्फ के अंदर क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जब सीमेंट और वाटर के मिक्सचर को सॉलिड कंक्रीट में बदला जाता है, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हमें कंक्रीट में क्रैक्स दिखाई देते हैं। और कुछ इसी तरह हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन के दौरान भी हुआ था। आज से 1380 करोड़ साल पहले जब बिग बैंग नहीं हुआ था, तो यूनिवर्स का सारा मटेरियल एक सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था, जिसमें प्लाज्मा की डेंसिटी इनफाइनाइट थी। साथ ही साथ इस सिंगुलैरिटी में हीट का कंसंट्रेशन और इसका टेम्परेचर भी अनइमेजिनेबल बाउंड्रीज को टच कर रहा था। अब दोस्तों, जैसे ही यूनिवर्स में बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है, ये इनफाइनाइट डेंसिटी वाला प्लाज्मा एक्सपैंड करने लगता है और इसका हीट कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होने लगता है। बिग बैंग के सिर्फ 10^-36 सेकेंड्स के बाद एक्सपेंशन का रेट अचानक से तेज हो जाता है, और फिर 10^-32 सेकेंड्स के बाद ये काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। एक्सपेंशन पर अचानक से लगा ब्रेक और लगातार कम होता ये हीट कंसंट्रेशन यहाँ पर एक फेज ट्रांजिशन को अंजाम देता है, और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स भी इसी फेज ट्रांजिशन के दौरान बनी थी। अब इसे आसान भाषा में समझाऊं तो अर्ली यूनिवर्स की बदलती हुई कंडीशंस ने इसमें कुछ क्रैक्स को जन्म दिया था, ठीक वैसे ही जैसे पानी को जमाने पर बर्फ के अंदर आ जाते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स यूनिवर्स में फैले विशालकाय धागों की तरह होते हैं, जो गैलेक्सीज से भी बड़ी साइज के हो सकते हैं। ये प्योर एनर्जी के बने हुए वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी थिकनेस 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। अब साल 1989 में जब नासा का कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर मिशन स्पेस में भेजा गया था, और इसने CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का ऑल स्काई मैप बनाया, तो यहाँ पर CMB के फीचर्स कॉस्मिक स्ट्रिंग की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि क्वांटम फील्ड थियरी और स्ट्रिंग थियरी, ये दोनों ही कॉस्मिक स्ट्रिंग की थियरी को अप्रूव करते हैं। अब दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस थियरी के अनुसार फिजिकल रियलिटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की बनी हुई है। स्ट्रिंग थियरिस्ट मानते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में स्ट्रिंग थियरी की टाइनी स्ट्रिंग्स इतनी विशालकाय साइज की हो जाती है कि वो गैलेक्सीज तक फैली हो सकती है। अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी के कारण एक कॉस्मिक स्ट्रिंग ग्रेविटेशनल लेंस की तरह बिहेव करती है, और भाई क्योंकि एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की कतई फोटोकॉपी निकाल देती है, जैसा कि हमने ट्विन क्वेजार्स के केस में देखा। हालांकि देखो, मैं यहां पर ये भी साफ कर दूं कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल है और यूनिवर्स में इसकी खोज का पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। पर अगर हमें यूनिवर्स में कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के सबूत खोजने हैं, तो हमें ट्विन क्वेजार्स जैसे और भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स की तलाश करनी होगी, जिन्हें नॉर्मल ग्रेविटेशनल लेंसिंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और यही काम करके दिखाया है भारत और रशिया के फिजिसिस्ट की एक टीम ने, जिनका रिसर्च पेपर 21
2023 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश किया गया था। इस रिसर्च के लिए प्लैंक सैटेलाइट के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसे साल 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के एनालिसिस के लिए स्पेस में भेजा था। साथ ही साथ इसके लिए लद्दाख में मौजूद हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप की मदद भी ली गई थी। अब अपनी स्टडीज के दौरान इन्होंने पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर दो गैलेक्सीज के पेयर को खोज निकाला, जिन्हें SDSS J110429A एंड SDSS J110429B नाम दिया गया है। और देखो, क्योंकि इस रिसर्च के दौरान ये कॉस्मिक स्ट्रिंग की डिस्कवरी की तरफ हमारा पहला पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो इसको CSC1 यानी कि कॉस्मिक स्ट्रिंग कैंडिडेट 1 कहा गया है। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से बेहद ही करीब है और दोनों का शेप एग्जैक्टली सेम है। अब देखो, नॉर्मली जब ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है ना, तो डुप्लीकेट गैलेक्सीज का शेप थोड़ा डिस्टॉर्टेड नजर आता है, लेकिन इनमें से किसी भी गैलेक्सी का शेप डिस्टॉर्टेड नहीं है। अब जरा इन दोनों ही गैलेक्सीज के मिले स्पेक्ट्रम को कंपेयर करिए। स्क्रीन पर दिख रहे दोनों स्पेक्ट्रम काफी हद तक सिमिलर नजर आ रहे हैं। अब ये 100% सिमिलर तो नहीं है, लेकिन इनमें इतना डिफरेंस भी नहीं है कि हम इन्हें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रूप में अज्यूम कर सके। अब इन दोनों से आने वाली लाइट भी एग्जैक्टली सेम टाइम पर ही रिसीव हो रही है और उसमें हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो क्या यहाँ पर एक कॉस्मिक स्ट्रिंग मौजूद है जो एक ही गैलेक्सी की मिरर इमेज बना रही है? वेल दोस्तों, अगर एक कॉस्मिक स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल लेंसिंग कर रही है, तो हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक डिफाइनाइट सिमेट्री देखने को मिलनी चाहिए, जिसके बारे में 15 जून 2023 को यूरोपियन फिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में बताया गया है। अब मान लीजिए कि दूर यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मौजूद है। ऐसे में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें एक दूसरे के काफी करीब नजर आएंगे और वो दोनों थोड़े इंक्लाइंड होंगे, जिससे कि उनके बीच एक एंगल सबटेंड किया जा सके। देखो, जब हम मिरर में किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसका साइज और शेप तो वही होती है, लेकिन हमें उसकी एक फ्लिप इमेज दिखाई देती है। अब कॉस्मिक स्ट्रिंग से लेंस हुए ऑब्जेक्ट्स में भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। मतलब कि भाई, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट इंक्लाइंड होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट राइट की ओर इंक्लाइंड होना चाहिए। हमारे रशियन और इंडियन फिजिसिस्ट की टीम ने अपने रिसर्च पेपर में जिस गैलेक्सी का रेफरेंस दिया है ना, वो इन सारी कंडीशंस को बखूबी फुलफिल करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंसान कॉस्मिक स्ट्रिंग की डिस्कवरी करने में कामयाब हुए हैं? वेल, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर नहीं का पलड़ा ज्यादा भारी है। देखो, यूनिवर्स में एक ही टाइप के लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट्स मिलना तो आम सी बात है, लेकिन बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो सकते। ऐसे में जब हम ट्विन क्वेजार्स या फिर इस रिसर्च पेपर में बताई गई ट्विन गैलेक्सीज का एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो यहाँ पर फिजिसिस्ट की कोई ना कोई अद्भुत करामात तो जरूर छिपी हुई है। अब CSC1 कॉस्मिक स्ट्रिंग के द्वारा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के शर्तों को पूरा जरूर करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब दिखाई देती है जब हम दोनों ही रिसर्च पेपर्स के राइटर्स को कंपेयर करते हैं। देखो, इन दोनों ही रिसर्च पेपर्स के रशियन राइटर्स बिल्कुल सेम है। मतलब कि एक पेपर में थियोरी भी इन्होंने ही दी है और दूसरे पेपर में अपनी ही थियोरी के आधार पर ये अपने ही क्लेम्स को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये रिसर्च पेपर्स गलत या फिर झूठे हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये दोनों ही रिसर्च पेपर्स अपने इनिशियल स्टेजेस पर है, और इससे पहले कि साइंटिफिक कम्युनिटी इन दावों पर डीप रिसर्च नहीं कर लेती, हम इन्हें किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि ये दोनों गैलेक्सीज एक ही गैलेक्सी की मिरर इमेज हो। तो ये भी सकता है कि यहाँ गैलेक्सीज आपस में कोलाइड करने ही वाली हो और ये गैलेक्टिक कोलिजन का कोई रेयर फेनोमेना हो जिससे अभी तक हम अनजान हैं। अब जनरली साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स काफी लेंदी और हाईली रिसर्च्ड होते हैं, लेकिन 21 सितंबर 2023 को पब्लिश हुआ ये वाला रिसर्च पेपर महज 6 पेजेस का है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के एग्जिस्टेंस को लेकर कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया गया है। इन शॉर्ट, इसे हम हाइपोथेटिकल कॉस्मिक स्ट्रिंग की डिस्कवरी की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप मान सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, एक्चुअल डिस्कवरी तक का रास्ता अभी भी काफी लंबा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कॉस्मिक स्ट्रिंग हम इंसानों के लिए इतनी उलझी हुई पहेली क्यों है, और आखिर इस पहेली को सुलझाने से हमें क्या फायदा होने वाला है? वेल दोस्तों, कॉस्मिक स्ट्रिंग की पहेली को इतना पेचीदा बनाती है इसकी साइज और थिकनेस। देखो, दूर अंतरिक्ष में जहां हमें करोड़ों किलोमीटर्स में फैले तारे नजर नहीं आते, वहां पर एक नैनोमीटर से भी कम थिकनेस वाली कॉस्मिक स्ट्रिंग को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? अब देखो, ये तो हम जान चुके हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार कॉस्मिक स्ट्रिंग अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाती है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी हिस्ट्री में हमने फिलहाल तक इतने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर ही नहीं किया है जिनको स्टडी
स्टडी करके हम कॉस्मिक स्ट्रिंग की थ्योरी पर फर्दर एनालिसिस कर सके। और जो डिस्कवरीज की भी गई है उन्हें कॉस्मिक स्ट्रिंग की थ्योरी के अलावा दूसरे फेनोमेना के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। पर दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं, ह्यूमन क्यूरियोसिटी का कोई भी अंत नहीं होता। कॉस्मिक स्ट्रिंग की हमारी ये तलाश जारी रहने वाली है। अब क्योंकि ये यूनिवर्स के असीम रहस्यों की एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, और क्या पता इसकी मदद से हम यूनिवर्स की शुरुआत और इसकी वास्टनेस को बेहतर ढंग से समझ सके। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कॉस्मिक स्ट्रिंग जैसा कुछ सच में एग्जिस्ट करता होगा, या ये हमेशा के लिए एक कल्पना बनकर रह जाने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। और दोस्तों, जाने से पहले, क्या आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया है? अगर नहीं किया है तो अभी जाकर करो, क्योंकि वहां पर आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।